पहली बात तो यहाँ के उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है, दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। और इनके बीच में जो सहयोजता है, जो एक यूनिटी हम कहते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ के इतने सारे जो यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी एक बड़ी जोश है, एक अच्छे पॉजिटिव वातावरण है। जाते ही हम लोगों को पता चल जाता है प्यार, यहाँ का वार्मथनेस जिसे रिसीव करते हैं वो लोग। और हमने भिवंडी और काफी जगह गए हैं, तो खास कर बहुत सारे तेलुगु के जो लोग थे, इतना उनको प्यार मुझे दिखा है, जिस प्रकार से जोश में थे वो, कि शायद अब की बार महाराष्ट्र भी एक धमाका दिखा देंगे। आज मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की सभा है, पूरी महायुति एक साथ होगी, सारे अलाइज साथ में होंगे, और इस राउंड के लिए मुंबई में आखिरी चुनाव प्रचार होगा प्रधानमंत्री मोदी का। मैं एक ही बात बताती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है दो दिन से, लगता है लोगों को अभी सही वारस पहचान लिए हैं अपने ठाकरे जी का, बाल साहब ठाकरे जी का, और वो है शिंदे जी। क्योंकि मैं यही अपने अनुभव से जानती हूँ कि एक शिष्य ही सबसे बड़े उसूलों को पालन करने वाले होते हैं, और शिंदे जी बाल साहब ठाकरे जी का सही शिष्य है और उनके सही वारस है। अब की बार ये महाराष्ट्र दिखाकर रहेगी, क्योंकि इन पर हमारे मोदी भाई का हाथ भी है, जो सच्चाई को मानते हैं, जो ईमानदारी को मानते हैं। हैदराबाद की सीट को आपने एकदम वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया, आपके वहाँ आने वाली लड़ाई हैदराबाद, आज तक कभी वहाँ के चुनाव की इतनी चर्चा नहीं थी, इस बार हो रही है, तो क्या लगता है आपको, थोड़ा आपका दबाव भी बढ़ा है कि आपको बहुत ही जिम्मेदारी बढ़ गई पार्टी की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, आपका ध्यान उस तरफ होने से? ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे, सबका ध्यान उस तरफ इसीलिए बढ़ा क्योंकि पहली बार हमने सच्चाई को लोगों के बीच में लेके आए और झूठ के ऊपर से पर्दाफाश कर दिया हमने, तो इसका शक्ति ही कुछ ऐसी होती है, तब जाके सारे लोग देश भर जानने लग गए कि असली मामला क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ जो तेलुगु समुदाय के लोग हैं, जिनसे आप मिली हैं, उनका भाजपा को लेकर और यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट को लेकर क्या मत आपको समझ में आ रहा है, क्या आप किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग? उनको लगता है कि अब तक जो न्याय उनको नहीं मिला है, क्योंकि दो साल ही हुए हैं महायुति को आकर, तो दो साल के पहले से जो अन्याय उनसे होते आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश के समय से उन लोगों को बुलाकर यहाँ का मुंबई को बनाने में जो उनका हाथ था, उसका एक श्रेय नहीं दिया गया उन लोगों को। लेकिन अभी उनको हिम्मत आ गया है कि यहाँ के तेलुगु लोगों को भी इतना ही प्यार मिलेगा यहाँ पर, जिन जिनको आवास नहीं है उनको आवास भी मिल जाएगा, बेरोजगारी के लिए नौकरियां भी मिलेंगी, और उनको अब एक नया हिम्मत मिल गया है कि एनडीए के तहत महायुति और भाजपा का जो अभी गठबंधन है, उसमें सारे तेलुगु प्रजा को हिम्मत आज आ गई है कि उनको आगे बढ़कर हर प्रकार का सुविधाएं उनको दिया जाएगा। आखिरी सवाल, परसों उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 4 जून के बाद भाजपा टूट जाएगी, महाराष्ट्र में बिखरा होगा, और कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस अस्तित्व में नहीं रहेगा। भैया मैं एक ही बताती हूँ, जो लोग हारने लगते हैं ना, जिनके अंदर हारने के डर होते हैं ना, तो इसी प्रकार के भाषण देना शुरू कर देते हैं वो लोग। जो लोग जीतते हैं तो पहले वो अपने कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं, तो यही भी यहाँ पे भी यही हाल है उद्धव ठाकुर जी का, कि पहले वो अपना क्या करना चाहते हैं लोगों को मुद्दा वो बात कीजिए ना, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अभी वक्त ही दिखा देगा।